नमस्कार दोस्तों, G20 की बैठक खत्म हो गई है। सरकार ने बरसात के मौसम में हमारा और आपका पैसा भी पानी की तरह बहा डाला है। 990 करोड़ खर्च करने का बजट था, लेकिन मोदी सरकार ने 4100 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा डाले, यानी चार गुना ज्यादा पैसे सिर्फ विलासिता में फूंक डाले। सोने की थाली नहीं भी होती तो भी विदेशी खाना खा सकते थे, लेकिन सरकार का क्या जाता है, अपने चुनावी प्रोपेगेंडा के चक्कर में देश को चूना लगा दिया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि आपके घर से छोटू 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर आपने उसको मंगाने के लिए 900 रुपए दे करके बाजार भेज दिया, और छोटू 900 की जगह पर 4000 रुपए में 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर लेकर के वापस लौट जाता है। तो आप अपने छोटू को जो कहेंगे ना, वही सरकार के लिए भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि G20 से भारत को क्या मिला। G20 की 17 बैठकें अलग अलग देशों में हो चुकी है, क्या उन 17 देशों ने भी भारत की तरह पैसा पानी की तरह बहा दिया? किस देश ने G20 पर अब तक कितना खर्च किया? G20 की अब तक की बैठकों से आखिर हासिल क्या हुआ? G20 के देश अपनी ही बैठक में लिए गए निर्णयों को आखिर क्यों नहीं मानते? क्या G20 केवल बतौलेबाज संगठन बनकर रह गया है? दोस्तों, पहले सवाल से ही वीडियो शुरू कर देते हैं कि आखिर भारत को क्या मिला। तो दोस्तों, 900 करोड़ की जगह 4000 करोड़ खर्च करके नरेंद्र मोदी को चेहरा चमकाने का मौका मिला, अपनी होर्डिंग्स लगवाने का मौका मिला, इलेक्शन से पहले हवा बनाने का मौका मिला, गोदी मीडिया से अपना महिमा मंडन करवाने का बढ़िया मौका मिला, फोटो खिंचवाने का मौका मिला, गरीबों को पर्दों के पीछे छिपाकर खुद को विकास पुरुष चक्रवर्ती सम्राट बताने का मौका मिला। लेकिन देश को क्या मिला? भारत को मिला खर्च, वो भी एक फर्जी बोझ, क्योंकि मोदी अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने G20 की बैठक करवाई है। इससे पहले भी 2008 से लेकर 2022 तक 17 बैठकें हो चुकी हैं। चीन को छोड़कर इन देशों ने मोदी की तरह पैसा पानी की तरह नहीं बहाया। पिछली 2022 वाली बैठक बाली में हुई थी, यानी इंडोनेशिया में हुई थी। इंडोनेशिया ने उस बैठक पर केवल 364 करोड़ रुपये खर्च किए थे। हमने कितना भैया उड़ा दिया? 4000 करोड़। मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊंगी, तो फिर आप ना खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि G20 के नाम पर हमारे और आपके टैक्स के पैसों को कैसे विलासिता में आखिर बहाया जा रहा है। जब जापान में G20 की बैठक हुई थी तो जापान ने G20 पर 2660 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2018 में अर्जेंटीना में जब G20 की बैठक हुई तो वो भी 931 करोड़ ही खर्च कर पाया था। जब 2017 में जर्मनी में G20 की बैठक हुई थी तो जर्मनी भी 642 करोड़ रुपए ही अपनी आवभगत में, खाने पीने में, साज सजावट में, तामझाम पर अपना खर्च कर पा रहा था। और सुनिए, ऑस्ट्रेलिया ने G20 की बैठक में 2653 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और भारत ने कितने करोड़ खर्च किए? 4100 करोड़ रुपए। रूस ने कितना खर्च किया था आप जानते हैं? 170 करोड़ रुपए। फ्रांस ने खर्च किए 712 करोड़ रुपए। भारत ने G20 सम्मेलन के लिए जो बजट बनाया वो था 900 करोड़ रुपए का, और खर्च कर डाले 4000 करोड़ रुपए, जबकि भारत ने G20 सम्मेलन अपने देश की राजधानी में ही रखा था। चीन ने 2016 में जब अपनी राजधानी बीजिंग के अलावा दूसरे शहर हांगजू में सम्मेलन कराया था, तब उसका खर्च भारत से ज्यादा आया था। अब अगर भारत अपनी राजधानी छोड़कर किसी दूसरे शहर में, मान लीजिए कानपुर में G20 का सम्मेलन कराता, तो लग रहा है मोदी सरकार को देश की बची कुची कंपनियां बेचने की नौबत आ जाती भाई। दोस्तों, 900 करोड़ की जगह 4000 करोड़ रुपए खर्च करने को घोटाला नहीं कहा जाएगा क्या? किसी और की सरकार में होता तो ये घोटाला हो सकता था, लेकिन BJP सरकार में पैसों की कोई भी लूट घोटाला नहीं होती। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स जब कांग्रेस ने करवाए थे तो आप उसे कॉमनवेल्थ घोटाला कह सकते हैं। बेडशीट, तकिया, टॉयलेट, टिश्यू पेपर आदि को बाजार भाव से ऊपर का बताकर उसे आप घोटाला कह सकते हैं, लेकिन BJP सरकार ने जब तय रकम से ज्यादा पैसा उड़ा दिया तो आप उसे घोटाला नहीं, गुणवत्ता बढ़ाना कहते हैं। मसलन भारत सरकार ने G20 में चाय का बजट जोड़कर 900 करोड़ का बजट किया होगा, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी गुणवत्ता बढ़ाकर मेहमानों को पिला दी होगी लस्सी। अब मेहमान तो लस्सी पीकर चले गए, आप खोजते रहिए अपना घोटाला। अभी CAG ने कहा कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की सड़क को मोदी सरकार ने 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बना डाला है। बहुत बड़ा घोटाला है भैया। देश की संवैधानिक संस्था CAG ने कहा कि गुरु, ये बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है।
ये तो भ्रष्टाचार की हत्या है। लेकिन मोदी सरकार ने कहा कि ऐसा है भैया, हमने तो बहुत अच्छी सड़क बना डाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ये कोई घोटाला वोटाला नहीं है, हमने पुलिया वगैरह सब बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत बना डाली है। अब सीएजी के पास ऐसा कोई थर्मामीटर तो है नहीं जो मजबूत और बहुत मजबूत में अंतर कर सके, बढ़िया और बहुत बढ़िया का पता लगाने के लिए कोई आला तो है नहीं उसके पास। एनीवेज, यही आयुष्मान योजना में भी हुआ, 7-7 लाख लोग एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर कर डाले और बता दिया कि सबका इलाज चल रहा है। भैया घोटाले पर घोटाले हुए लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस सरकार में 2013 में इसी सीएजी ने कॉमनवेल्थ में अनियमितता बताई थी, तो मीडिया ने क्या कहा था, घोटाला है जी। इसी सीएजी ने कोयला खरीद में अनियमितता बताई थी, तो मीडिया ने उसे घोटाला कहा था। इसी सीएजी ने 2G में भ्रष्टाचार बताया था, तो आज का जो गोदी मीडिया है ना, उसने कल क्या कहा था जानते हैं, उसने घोटाला बताया था। अन्ना आंदोलन पर बैठ गए थे, तब कांग्रेस सरकार में इतनी तमीज नहीं थी या फिर कांग्रेस सरकार इतनी धूर्त नहीं थी जो ये कह पाती कि 2G घोटाला नहीं है, उसमें तो हम नेटवर्क बहुत अच्छा देंगे जी, कोयला घोटाला नहीं है, हमारे कोयले से आग ज़्यादा निकलेगी, या फिर कॉमनवेल्थ गेम में हमने खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छे कमरे बना कर दिए हैं, सरकार ने दरवाजे लकड़ी के पास किए लेकिन हमने तो मंगल ग्रह की लकड़ी बनवा कर दरवाजे बना दिए हैं जी, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, कोई घोटाला नहीं है। चलिए अब बताती है इस G20 से अब तक दुनिया को क्या मिला है। दोस्तों G20 की बैठक के निर्णय किसी काम के नहीं होते, ये लोग ग्लोबल वार्मिंग पर 2008 से चर्चा कर रहे हैं, आर्थिक हालातों पर 2008 से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या आर्थिक हालात सुधर गए और क्या ग्लोबल वार्मिंग का कुछ हुआ। चलिए, जो देश G20 में शामिल है वो खुद कहते हैं कि गर्मी को कम करने के लिए कोयले की ऊर्जा को हमें बंद करना होगा, लेकिन कोयले का इस्तेमाल क्या कोई बंद करता है क्या। G20 में कोयले का उपयोग बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन दोस्तों 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि दुनिया भर में कोयला आधारित बिजली उत्पादन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस साल कोयले में निवेश 10% बढ़कर $150 अरब होने की उम्मीद है। अडानी जी ने भी अभी कोयले के नाम पर गुजरात सरकार को कितना बड़ा चूना लगाया है, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर के वो देख सकते हैं। G20 की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों को मानने के लिए या निभाने के लिए कोई देश बाध्य नहीं होता, तो गोदी मीडिया और मोदी सरकार अगर ढींगे हाके कि हमने ये समझौता कर लिया वो समझौता कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि G20 में कोई समझौता होता ही नहीं है, केवल बातचीत होती है। ना तो G20 का समूह किसी को सजा दे सकता है, ना तो किसी को बाध्य कर सकता है, ना तो किसी के पैसों से कोई मदद कर सकता है, ना तो न्याय कर सकता है। अभी 2021 में G20 ने एक बड़े टैक्स सुधार का समर्थन किया जिसमें हर देश के लिए कम से कम 15% का वैश्विक न्यूनतम कर शामिल था। इसने नए नियमों का भी समर्थन किया जिसके तहत अमेज़न जैसे बड़े बड़े व्यापारियों को उन देशों में कर का भुगतान करना होगा जहां उनके उत्पाद बेचे जाते हैं, भले ही वहां उनके कार्यालय ना हो। ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट का एक बड़ा कदम है, लेकिन अब तक ये लागू नहीं हुआ है। आप G20 को ऐसे मानिए कि गांव में 4-6 खाली चचा लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक यहाँ की एक वहाँ की हाँक कर शाम को अपने घर चले जाते हैं, जिसका असर कुछ ना हो, लेकिन G20 पीपल के पेड़ के नीचे वाली टाइम पास वाली चर्चा नहीं है। यहाँ इस चर्चा के लिए 990 करोड़ उड़ाने के लिए सरकार ने तय किए थे, लेकिन सरकार ने 4100 करोड़ उड़ा डाले। हमारे टैक्स का पैसा सोने की थाली महंगे होटलों मेहमानों को घुमाने के लिए किराए पर मंगाई गई 20 लिम्बोर्गिनी उनके किराए के ड्राइवरों उनकी ट्रेनिंग में उड़ा दिए गए। मोदी जी बड़ा पैसा बचाने पर जोर देते हैं, रेडियो पर ज्ञान झाड़ते हैं, अपने नेताओं से ही कह देते हैं कि अपनी अपनी रेंज रोवर गाड़ियां 2-2 दिन के लिए सरकारी कार्यक्रमों के लिए उधार दीजिए, मेहमान लिम्बोर्गिनी की जगह पर अगर रेंज रोवर से घूम लेते तो छोटे थोड़ी हो जाते। सिक्योरिटी इश्यूज तो पहले ही मोदी की लाल आंखों से सॉल्व हो चुके हैं। G20 हर बार अलग अलग देशों में होता है। सरल भाषा में समझिए कि अगर आज आपने अपने 20 दोस्तों को पार्टी दी है तो हर साल उन 20 दोस्तों में कोई ना कोई दोस्त आपको पार्टी देगा, देता रहेगा। मतलब कि आपने एक बार 20 को खिलाया, अब बारी बारी 20 दोस्त हर साल नंबर लगाकर आपको खिलाते रहेंगे। दोस्तों G20 की शुरुआत की बात करें तो 2008 में दुनिया रिसेशन से, मतलब कि आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। अमेरिका की हालत भिखारियों से बदतर हो गई थी,
इसीलिए अमेरिका में जब इसकी 2008 में पहली बैठक हुई थी तो आर्थिक मामलों पर ही बात हुई थी। अमेरिका ने बाकी देशों के साथ भारत से पूछा कि अमेरिका कैसे बर्बाद हो गया है और इसको आबाद कैसे किया जा सकता है। तो भारत ने बताया था कि कमाई से ज़्यादा कर्जा लेना छोड़ दो, यही तुम्हारी बर्बादी के लक्षण हैं। भारत ने अमेरिका को बताया था कि कर्जा लेकर घी पीना नहीं चाहिए। अमेरिका को उससे ज्ञान मिला था कि जितनी ज़्यादा हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी से पूछेंगे कि G20 की बैठकों में क्या होता है तो वो आपको यही बताएगा कि आर्थिक मामलों पर चर्चा होती है, और पूछेंगे तो बताएगा कि ग्लोबल वार्मिंग पर भी चर्चा होती है। G20 बड़े बड़े देशों का संगठन है, लेकिन केवल दिखाने के लिए ये लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते। भारत में G20 में अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में भी बातचीत हुई, लेकिन बात का कोई मतलब नहीं निकला। इट्स कॉल्ड दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों का राष्ट्रपतियों का पंचौरा। दोस्तों, इंटरनेशनल अदालत से पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है। क्या G20 पुतिन को गिरफ्तार करवा पाएगा? नहीं। कुल मिलाकर G20 से प्राप्त कुछ नहीं होता, बस 20 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक जगह पर मिलकर फोटो खिंचवाते हैं, मजे करते हैं और चले जाते हैं। एक और उदाहरण बताती हूँ, सुनते जाइएगा। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि G20 में आर्थिक हालातों को सुधारने की बात होती है, लेकिन इसका कोई खास असर दुनिया में हुआ हो ऐसा कभी नहीं दिखा। G20 की बैठक में आप खूब तड़क भड़क देखेंगे, सजावट देखेंगे, 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के प्रमुखों का जुटना देखेंगे, एजेंडा तय करना देखेंगे, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो अभी तक G20 से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर पेरिस समझौते के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। G20 के सदस्यों पर कोई बाध्यता नहीं है कि वो G20 के मंच पर किए गए अपने वादों को निभाएंगे ही। वही G20 के पास भी ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके तहत इन वादों को लागू करने के लिए कुछ किया जा सके। जैसे यूनाइटेड नेशंस में बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उनके पास धन है, उनके पास सेना है, उनके पास शक्ति है जिसका इस्तेमाल कई मसलों में यूनाइटेड नेशंस करता है, लेकिन G20 में ऐसा कुछ नहीं है। G20 बिना पंजों वाला शेर है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर डालिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।